बाहर पूरे 24 घंटे हो गए यमलोक से धरती पर आए हुए, ये बोल के भेजा था कि तुरंत नए रूप में दादी सास को भेज देंगे। अभी तक नहीं आई मेरी दादी सास। दादी सास अब जहाँ कहीं भी हो जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बेबली तूने याद किया, मैं आ गई एकदम नए अवतार में। दादी सास, दादी सास, ओमां, दादी सास आप तो एकदम हो ना एकदम नई नवेली, नया रूप, नया अंदाज, नई अदा, नई आवाज। हाँ दादी सास, अरे आप तो निकली एकदम तिकड़म बाज है ना, ऐसा तिकड़म चलाया कि मान गए खुद चित्रगुप्त और साक्षात यमराज। आए हाय, दिवाली बहन मेहता दोबारा धरती पर लौटी है तो मनानी पड़ेगी दिवाली आज। मैं अभी नहीं 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 बेबली, पहले घर का काम खत्म कर। नहीं दादी सास, वो तो मैं बाद में भी कर लूंगी। अरे घर की बहू कभी घर का काम आधा नहीं छोड़ती है। जा बेबली पहले काम खत्म कर। ठीक है दादी सास, आपका हुक्म सराखों पर। मैं अभी घर का सारा काम खत्म करके आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर मस्त लाम में गप्पे लड़ाएंगे। मैं अभी आती हूँ दादी सास। जा जल्दी कर। हाय कितनी प्यारी है मेरी बेबली। माही? हाँ? तुम वेरा खड़ी के अलावा कहीं नहीं गई हो, तो फिर साउथ अफ्रीका में किससे बात करती हो? अले हाँ शशमा, वो क्या है ना, अफ्रीका में मेरी मासी रहती है। मासी अफ्रीका में हो? रॉन्ग नंबर आया था तो उन्हें मासी बना लिया। ना ना शशमा, वो मेरी दूर की मासी है। अच्छा, क्या है ना, वो भारत आने वाली है ना, तो मैं सब दिन गप्पे मार रहे थे। ओ, और तुम्हारी मासी आ रही है यहाँ पे? हाँ, मुझसे मिलने। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्यों? काम में थोड़ा भूल गई। ओ, काम। वो क्या है? राख? तुम बर्तन राख से धोती हो? हाँ तो ससमा, हमारे गांव में ना हम राख से ही बर्तन धोते हैं, मस्त चकाचक चक हो जाते हैं। अरे वही गांव में धोते होंगे, यहाँ शहर में बर्तन राख से साफ नहीं किए जाते। और ये कहाँ से लाती हो तुम राख? वाख मैं वो नाकी में मकई खाने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे चंदू भाई ऐसे सिगड़ी पर मकई सेकते हैं, तो बस वहीं से पड़ी के मैं बांध के लेकर आती हूँ। वही राख से बर्तन साफ नहीं होते, इनफैक्ट गंदे होते। आ, ये देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये देखो सारी राख दिख रही दिख रही, ये देखो दो इसे वापस धो ना। साफ है, साफ है ससमा। अपनी गलती कभी नहीं मानोगी ना तुम? नेवर। इसकी मासी आने वाली है ये मुझे बताया नहीं, अब बर्तन गंदे है ये नहीं मान रही। मही मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। सुनिए भाभी, छिलके नीचे रखते हैं और सेब प्लेट में। सागर भैया वो तो तब ना जब सेब खाना हो। मतलब आप सिर्फ छिलके खा रही हैं? नहीं नहीं, चाट मसाला भी साथ में है सागर भैया। मस्त है। सुनिए भाभी, ये ना सिर्फ आप ही कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना सागर भैया, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि सेब से ज्यादा विटामिन छिलकों में होता है। सुनिए भाभी, आपको पता है आपका जवाब नहीं। पर मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछा। भाभी माय मिस्टेक, कीप इट अप। ओके। ये बर्तन की आवाज कैसी? सुमधुर। टिंग टोंग टिंग।
भाभी मेरा मतलब बर्तन की आवाज आ क्यों रही है? लोग कहते हैं कि घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी, तो हमारे घर में तो 200 से ज्यादा होंगे, तब तो आवाज आनी ही चाहिए ना सागर भैया। सही कह रही हैं। माही मॉम मॉम क्या हुआ? मही अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सागर ये तुम्हारी बीवी है ना, ये वो देखो वो देखा राख। हाँ राख से ये बर्तन साफ कर रही थी। मैंने उसे कहा कि रखने रहने दो, अभी बात कर रही हूँ ना मैं सागर से। हम शहर में राख से बर्तन साफ करते हैं? नहीं, गांव में करते होंगे, हम लोग नहीं करते। मैंने उसे यही कहा कि राख से बर्तन साफ नहीं होते, इनफैक्ट गंदे होते हैं, इसे वापस साबुन से साफ करना। लेकिन नहीं, मैडम सिर्फ पानी से धो रही है और मुझसे जबान भी लड़ा रही है, मेरी बात ही नहीं मान रही है वो। बहुत हो गया, मैं अब इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं किस छत के नीचे रहूं? सागर जी, मैं मेरी सासू माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं उनके साथ ही रहूंगी, आप उन्हें समझाइए ना प्लीज। और एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी और बीच में बेटी की चटनी। मही सिर्फ एक ही छिलका रह गया। हाँ तो तुम मेरे साथ छिलके खरीदे मार्केट चलो ना। ना ना भाभी, वो थोड़ी क्या है। अरे ऐसा कहते हैं कि हम लोग बाजार चलते हैं सेब खरीदने, और वैसे भी भाभी आज मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती। क्यों, आज तुम पाँव में मेहंदी लगाने वाली हो? अरे ना ना भाभी, मेरी मौसी आने वाली है, हवा हवाई मौसी। हवा हवाई बस नाम है, और वो पूरे 2 दिन यही रहने वाली है। मही मही, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और तुमने अपने रिश्तेदार को यहाँ बुला लिया। हाँ तो शशमा, फिर मेरी मौसी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, मुझे उसे क्या। इस शहर में बहुत सारे होटल्स हैं। तुम्हारी मासी से कह दो कि अपना बंदोबस्त किसी होटल में करें, ओके? मेरे घर में तुम्हारा एक भी रिश्तेदार नहीं रहेगा। ओह माय गॉड, मतलब मैं भी होटल में रहने जाऊं मॉम? सोनिया बेटा, तुम क्यों होटल में रहने जाओगी? मॉम मैं भी मही की रिश्तेदार हूँ ना, जेठानी। तो आपने अभी अभी कहा सोनिया। मतलब मैं मजे में हूँ, अच्छी हूँ, मस्त हूँ। समझ गया। पोना भैया, मासी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाइए। इनसे मिलिए, ये है मेरी शाशुमा अनसुया जी मेहता जी। और ससुमा, ये है मेरी मासी हवा हवाई। वी 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 वी। आपके चेहरे पे ये खामोशी क्यों छाई? वाह मां, मैं तो फल खरीदने जाने वाली थी, पर फल की टोकरी तो घर पर ही आ गई। मस्त है।
फल की टोकरी, अच्छा भी था और मजा भी आया। हमारी अफ्रीका में एक कहावत है, ज्यादा हंसने से दांत गिर जाते हैं। फिर भी आप हंस रही हैं। मामा सी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं यहाँ आई, ये शायद तुम्हारी सासू माँ को पसंद नहीं है ना अनुसुया जी? अब आपने पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ, आप यहाँ जो आई है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या है ना मासी, आज सुबह से ही मेरी शशुमा का थोड़ा मूड खराब है, अब बुरा मत माने हाँ प्लीज। ये अच्छा है, सर पर ही फल उगा लिए हैं, जब भी मन करे ऐसे खा सकते हैं। ये उगाए नहीं लगाए, जो भी है मस्त है। ये अंगूर भी मस्त है। ए आंटी, अब जब होटल में रहने जाओगे ना तो ये फलों की टोकरी मुझे दे देना। हाँ बाय। होटल में रहने जाना क्या? मैं यहाँ आई, ये तुम्हारी सास को पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे होटल में रहने को कहा। तोरे बा मतलब तौबा। मही, तुम्हारी सास इतनी खराबा है, मतलब इतनी खराब है, ये अगर मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें उसके साथ कभी रहने नहीं देती। पर ठीक है, अभी भी वक्त है, मैं सब ठिकुम्बा कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। आंटी, आपके साउथ अफ्रीका के किस्से सुनकर साउथ अफ्रीका घूमने जाने का मन कर रहा है। घूमने क्यों? वहाँ पे सेटल होने आ जाना। वहाँ पे मेरा इतना बड़ा डायमंड का बिजनेस है, वो संभाल लेना, मेरे ना कोई आगे ना पीछे, जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा ही है ना? तुम दोनों वहाँ आके अपनी दुनिया बसा लेना। और मासी, हमें हमारे देश में ही रहना है। अब देखिए ना, पराए देश में अपने भी पराए लगने लगते हैं, और हमारे देश में पराए भी अपने हो जाते हैं। हर त्योहार में एक दूसरे से मिलना, गरबा खेलना, जलसा करना, संकट समय एक दूसरे को काम आना, ये सब आपके अफ्रीका में थोड़ी होता होगा। मही बेटा, सब लोग विदेश जाने के सपने देखते, ड्रीम्स, यू नो, और तू है जो मना कर रही है। सागर, ये तो वाइडिंबा है। वाइडिंबा? वाइडी है, पर तुम जरूर सोचना इसके बारे में। लेकिन आंटी, समझ गई, तुम्हारी माँ की चिंता है ना तुम्हें, तुम वहां सेटल हो जाओगे, उसको भी वहाँ पे बुला लेना। हाँ आंटी, आपका आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी सागर बेटा, जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँ का घोंसला छोड़ के फुरुम्बा हो जाते हैं। फुरुम्बा? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद साउथ अफ्रीका मुझे बुला रहा है।
महीने की मौसी ने तुम्हें अफ्रीका आने के लिए कहा और तुम उसकी बात पर सोच रहे हो सागर? मॉम, वैसे चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़ देते, पर मॉम मैं तो आपको भी अपने साथ ले जाने वाला हूँ। सच? हाँ मॉम। थैंक यू बेटा। मॉम यू आर वेलकम। शट अप सागर, व्हाट यू आर वेलकम मॉम। और ये चिड़िया विड़िया की बात करके मुझे इमोशनल करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, ओके? और ये मत भूलना तुम चिड़िया के बच्चे नहीं हो, तुम शेरनी के बच्चे हो, शेरनी के अनसुया मेहता के बेटे हो तुम। आप मेरे समझ में आया ये मही और मही की मौसी क्या कर रही है? वो दोनों मिलके हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने का प्लान कर रही है। मॉम ऐसा नहीं है, मैं तो अपने करियर के लिए। ऐसा ही है करियर? अपने करियर के बारे में तुम इतना कब से सोचने लगे सागर? अभी देखती हूँ उस मासी को, मेरे घर से भगा ही दूंगी उसे। चिड़िया का बेटा। मॉम गलत समझ रहे। हेलो के टोकरी, हाँ क्या सिखा रही थी मेरे बेटे को? क्या प्लान चल रहा है तुम्हारा? मेरे सागर को लेके जाओगी अफ्रीका? इस घर से अगर कोई जाएगा ना तो तुम दोनों जाओगी, वो भी सीधे अफ्रीका। मेरा सागर कहीं नहीं जाएगा। चलो जाओ मेरे घर से और इस मही को भी यहाँ से लेके जाओ, जाओ। मॉम मही चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे तुम क्यों कहीं जाओगे? तुम्हारा यहाँ इतना बड़ा घर है, तुम्हारी माँ है, तुम यही रहोगे अपनी माँ के साथ। भाई मैंने तुमसे कहा था ना, तुम तुम्हारी मौसी को यहाँ नहीं रखोगी, उसका बंदोबस्त किसी होटल में करोगी। लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। इसलिए निकलो अपनी मौसी के साथ मेरे घर से, निकलो। नहीं शाशुमा, अचानक मेरी मौसी आ गई तो उन्हें होटल में कैसे लेकर जाती? और सासुमा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलूंगा अफ्रीका। चलूंगा? चलो, तुम्हारी कमी महसूस होते ही तुम्हारी माँ भी आ जाएगी तुम्हारे पीछे पीछे, और तुम्हारी वजह से शायद उसे मही की कमी भी महसूस होगी। क्या 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 खुसुर खुसुर चल रही है? वी 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 वी? कुछ नहीं मही, अभी यहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं। तुम्हारे रिश्तेदारों की कोई इज्जत है भी या नहीं? तुम चलो मेरे साथ अफ्रीका। सागर तुम भी चलो। ए! मेरा सागर कहीं नहीं जाएगा, समझी? आंटी का आइडिया अच्छा है। अगर मैं और मही जाकर साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए तो देर से फिर मॉम भी साउथ अफ्रीका आ ही जाएंगी, क्योंकि मॉम मेरे बगैर नहीं रह सकती। मॉम आई एम सॉरी, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा। वहां आंटी का डायमंड का बिजनेस संभालू। घर में सैर कर रही है? दादी सास मजाक मत कीजिए, अरे मैं परेशान हूँ, तानसेन में हूँ। काहे की परेशानी बेबली? फिर से क्या किया तेरी अनसुया ने? शाशुमा ने नहीं, वो हवा हवाई मौसी। आपको पता है दादी सास, वो चाहती है कि मैं और सागर जी उनके साथ साथ अफ्रीका जाए। ना बाबा ना, मैं अपनी शाशुमा को छोड़ के क्यों जाऊँ? हाय हाय, ये तो बड़े मजे की बात है। इसमें क्या परेशानी है? ये तो बड़े जलसे की बात है, ऐसे उड़ कर साउथ अफ्रीका जाने का जलसा ही जलसा। मुझे कोई जलसा वलसा नहीं करना है दादी सास। मैं अपनी शाशुमा को छोड़ के अफ्रीका शाफ्रीका नहीं जाऊंगी। आप कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। बेबली मेरी बोली, बेबली कितनी बोली है रे तू। जरा सोचना, वहाँ साउथ अफ्रीका में तू
और सागर हमेशा के लिए अकेले। घूमना फिरना मजा ही मजा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर रोज सुबह में तेरी सासू माँ अनुसुईया का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। फिर मेरी मदद क्यों मांग रही है तू? हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन दादी सास शाशुमा के साथ साथ मैं आपका चेहरा भी कभी नहीं देख पाऊंगी ना। ओ, वो कैसे? दादी सास जरा सोचिए, अफ्रीका के यमलोक में अलग अलग देश के अलग अलग प्रतिनिधि होंगे, तो वो लोग आपको नीचे नहीं आने देंगे ना मुझसे मिलने के लिए। ओ, तो है तो क्या करें? मुझसे पूछ रहे हो? ये तो आपको सोचना है ना दादी सास। सोचो सोचो दादी सास, ये सब कुछ हवा हवाई मौसी के प्रस्ताव की वजह से हुआ है। दादी सास सबसे पहले उन्हें ही उनके घर वापस भेजने का कोई मस्त आइडिया लाइए ना। हाँ मैं ना चित्रगुप्त जी के पास जाकर उन्हें उल्लू बनाकर कोई उपाय लेकर आती हूँ। ठीक है जल्दी जाइए। अब भी गई।